वाणिज्य वाहन निर्माण उद्योग में 40 से अधिक वर्षों की विरासत के साथ एक प्रसिद्ध नाम SML इसुजू ने जालंधर में अपने नवीनतम 3S डीलरशिप स्ट्रॉन्ग व्हील्स का उद्घाटन किया। ये आधुनिक सुविधा बिक्री सेवा और स्पेयर पार्ट्स के लिए समर्पित है और जालंधर तथा आसपास के जिलों के ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। इस नए शोरूम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधु, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल बीच ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान शोरूम के मालिक सिमरदीप सिंह मान, सिमरनजीत सिंह, दिनेश डोगरा, वीरेंद्र डोगरा ने आए हुए सभी मुख्य मेहमानों को सम्मानित कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर मार्केटिंग प्रशांत कुमार ने कहा कि पंजाब में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए स्ट्रॉन्ग व्हील्स के उद्घाटन से वे बहुत उत्साहित हैं। ये नया डीलरशिप ग्राहकों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुविधा के साथ वे जालंधर और उसके आसपास के ग्राहकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक रजिंदर बेरी सेंट सोल्जर ग्रुप से राजन चोपड़ा, डिंपल झुनेजा राई सेल्स से विनोद चावला, शकुन चावला सहित शोरूम का पूरा स्टाफ भी उपस्थित रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। SML इसुजू आपके पंजाब में हमारा प्लांट है और ये रोपड़ में हमारा प्लांट है और ये पिछले 40 सालों से, इनफैक्ट 41वां साल चल रहा है जो SML इसुजू आपके मार्केट में है। पहले ये स्वराज माजदा के नाम से जानी जाती थी। पंजाब ट्रैक्टर यहाँ की एक सरकारी कंपनी थी, तो इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ माजदा के साथ और स्वराज माजदा कंपनी बनी थी। बट आज से करीब 12-15 साल पहले स्वराज माजदा के शेयर को इसुजू ने और सुमितोमो कॉरपोरेशन ने खरीद लिया और ये SML इसुजू के नाम से कन्वर्ट हो गया। तो ये स्वराज माजदा SML इसुजू के नाम से आज आपके मार्केट में है। अब आपके मार्केट में यदि पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में हमारा मार्केट शेयर करीब करीब 60% है। मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है और प्रोडक्ट की जो खास बात है कि इसकी बस की और ट्रक की, जो हम बस बनाते हैं और ट्रक बनाते हैं, वो 3.5 टनिज टन से लेकर के अप टू 11 टन तक हम हमारा प्रोडक्ट रेंज है। जो हम ट्रक के रेंज में LCV सेगमेंट करते हैं वो ट्रक के रेंज में है और बस के रेंज में हमारी अप टू द 52 सीटर्स तक हमारी बस आती है। सो ये हमारे बस का रेंज है और हमारे ट्रक का रेंज है। जहाँ तक बस की बात करें तो बस का मेरा ऑल इंडिया मार्केट शेयर करीब करीब 21% के आसपास है हमारे सेगमेंट की जो बसेस है, और ट्रक का मार्केट शेयर करीब करीब 7% के आसपास है जो हमारे मार्केट शेयर है। तो सबसे पहले कंपनी ने ट्रक बनाना शुरू किया था 1983 में और वहाँ के बाद हमने बस की दुनिया में पैर रखा। और आपको ये जान के बड़ा ही एक सुखद आश्चर्य होगा, यह जनरल नॉलेज का भी एक आंसर क्वेश्चन है कि SML इसुजू या स्वराज माजदा, इट वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसने फैक्ट्री बिल्ट फुल्ली बिल्ट बसेस बनाए। अभी तक क्या होता था कि बस की चेचिस बनती थी और बॉडी बिल्डर पर जाती थी, बॉडी बिल्डर बस बना के देते थे। तो ये पहली कंपनी है जो फैक्ट्री बिल्ट बसेस बनाना शुरू की और उसको देख कर ही बाकी जो कंपनी है, जो हमारे कॉम्पिटिशन की कंपनी है, उन लोगों ने भी अपने बस बिल्डिंग प्लांट बनाने शुरू किए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਾਰਟਨਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀਲਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ,
ਮੈਂ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਡੋਗਰਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੇ ਡੀਲਰਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਜਵਾਲੀ, ਊਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ SML ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀਲਸ ਨਾਮ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ SML ਇਸੂਜ਼ੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇੰਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।